नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरे साथ मेरी सहयोगी जया मिश्रा का। ओवर टू यू जया। बिल्कुल स्नेहा, बड़ी खबर बता दे, लखनऊ से एक बड़ी जानकारी है, दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दे, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये बड़ी कार्यवाही हुई है, अमरनाथ पांडे को नौकरी से बर्खास्त किया गया। दरअसल मदरसों के डाटा लॉक में हेराफेरी करने का इन पर आरोप था और देवी पाचन मंडल में तैनाती के दौरान हेराफेरी का इन पर आरोप लगा, जिसके बाद ये बड़ी कार्यवाही की गई है। वर्तमान में चित्रकूट मंडल में तैनात है अमरनाथ पांडे और अमरनाथ पांडे को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मदरसों के डाटा लॉक में हेराफेरी करने का इन पर आरोप लगा था और इसी मामले में ये बड़ी कार्यवाही हुई है। देवी पाटन मंडल में तैनाती के दौरान हेराफेरी का इन पर आरोप लगा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चित्रकूट मंडल में तैनात थे अमरनाथ पांडे, जिनको बर्खास्त किया जा चुका है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी कार्यवाही हुई है, अमरनाथ पांडे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मदरसों के डाटा लॉक में हेराफेरी करने का इन पर आरोप लगा था और देवी पाटन मंडल में जब इनकी तैनाती थी उसी दौरान हेराफेरी इन्होंने की थी, ये गंभीर आरोप इन पर लगे थे। और वर्तमान में चित्रकूट मंडल में तैनात थे अमरनाथ पांडे, जिनको बर्खास्त किया जा चुका है। ये बड़ी कार्यवाही की गई है, लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को बर्खास्त किया गया है, अमरनाथ पांडे जिनका नाम है, और नौकरी से ये बर्खास्त किए जा चुके हैं। बहुत ही गंभीर आरोप इन पर था, मदरसों के डाटा लॉक में हेराफेरी कराने का आरोप था, हेराफेरी करने का आरोप था और इसी मामले में इन पर ये कार्यवाही हुई है। देखिए, देवी पाटन मंडल में जब इनकी तैनाती थी, जानकारी है कि उसी दौरान इन्होंने हेराफेरी की थी। हालांकि वर्तमान में चित्रकूट मंडल में इनकी तैनाती थी और अब ये नौकरी से हाथ धो चुके हैं, नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं अमरनाथ पांडे। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे, बड़ी कार्यवाही इन पर हुई है और मदरसों में डाटा लॉक में हेराफेरी करने का आरोप लगा था। और चलिए अब बात दिनेश खट्टी की कर लेते हैं। दरअसल दिनेश खट्टी के इस्तीफे के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। इस्तीफा देने के बाद दिनेश खट्टी सामने नहीं आ रहे, वहीं अब खट्टी के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मंत्री गणों के साथ जन प्रतिनिधियों की बातें भी सुनकर इसका समाधान करना होगा। खबर ये भी है कि खट्टी का इस्तीफा राजभवन पहुंच चुका है, वहीं आज दिनेश खट्टीक सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले कल खट्टीक ने अपनी चिट्ठी में अपनी अनदेखी और अधिकारियों की ओर से उनकी ना सुनने की बातें कही थी। गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और जानकारी इस बात की है कि आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं और उनका भी मानना है कि अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, जबकि मंत्रियों को अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अधिकारी जब तालमेल नहीं करते तो जनसेवा के काम नहीं हो पाते। राज्य मंत्री के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज है। दिनेश खट्टी को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा आज जानकारी है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मिलेंगे और अपनी पूरी बात रखेंगे। राजभवन इस्तीफा पहुंच चुका है और अब देखना होगा कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होता है, क्योंकि उनकी नाराजगी है और इसीलिए पहले पार्टी की तरफ से उनसे बात करने की कोशिश हो रही है। हालांकि एक दिन तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ रखा और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी भी वो कहाँ हैं ये लोकेशन उनका अब तक सामने नहीं आया है कि अभी वो हैं कहाँ पर, लेकिन जानकारी इस बात की है कि शाम तक सीएम से उनकी मुलाकात लखनऊ में हो सकती है और जो भी उनकी नाराजगी है उन नाराजगी को लेकर वो बातचीत कर सकते हैं। सहयोगी शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं। शैलेश, ये बताइए, 10:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात की तो डिटेल आ गई है, दिल्ली से ये कंफर्म तो हो चुका है, लेकिन क्या आज उनकी सीएम योगी से मुलाकात होगी, इस बारे में कोई इनपुट?
देखिए सुनीलता, ये लगभग तय मानकर चलिए कि आज दिनेश खट्टर जो राज्य मंत्री हैं उनकी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आज शाम को ये मुलाकात संभव बताई जा रही है। बहरहाल हम मौजूद हैं इस समय राज्य मंत्री दिनेश खट्टर के सरकारी आवास पर। यहाँ पर देखिए सुबह के वक्त जिस तरह से रोज जो सिक्योरिटी की शिफ्ट है वो चेंज हो चुकी है। कुछ देर पहले ही जो नई शिफ्ट के सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी की, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है कि कब आएंगे यहाँ पर दिनेश खट्टर। वैसे भी यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो राज्य मंत्री दिनेश खट्टर हैं जल शक्ति विभाग के, वो अधिकतर समय अपने क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ अपने लखनऊ की बात करें, आवास की बात करें, तो कम रहते हैं, अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हैं। ये फीडबैक है यहाँ के लोगों का जो इस बंगलों में रहते हैं, उनके सरकारी आवास में रहते हैं। और निश्चित रूप से देखिए आज सबकी निगाहें इन पर टिकी हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात आज हो सकती है। बहरहाल सरकार के स्तर से भी अगर देखें तो जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है, और देखिए इस प्रकरण से पहले ही आप ध्यान कीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक बैठक हुई थी जब कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की, तो मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था उस बैठक में कि जो भी अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की बात को सुने, समन्वय की बात थी। ये वो बातें हैं जो इस पत्र के सामने आने से पहले ही वहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही थी। और अगर बात करें तो दिनेश खट्टर के अलावा कुछ और राज्य मंत्री भी हैं जिनके मन में ये चर्चा चल रही है कि अधिकारियों की वजह से या दूसरे कारणों से असंतोष है। मुख्यमंत्री जो है उनकी बात करें तो उनके साथ जो भी राज्य मंत्री संबद्ध है सबको काम दे दिए गए, लेकिन जो मंत्रियों के साथ में, कैबिनेट मंत्री के साथ में या स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं उनके साथ में राज्य मंत्री हैं, तो उनमें कई अभी असंतुष्ट हैं, चाहे वो काम ना मिलने की वजह से हो या फिर ऐसा काम मिलने की वजह से हो जो उनको लगता है कि बहुत ही कम महत्वपूर्ण काम उनको सौंपा गया। ये भी दूसरी चीज़, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच की जो खींचतान है वो देखिए कई बार हाल के दिनों में हमें देखने को मिली है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का आप मामला देख लीजिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पत्र लिखा था अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को कि जो तबादलों में गड़बड़ी हुई उसको लेकर वहाँ पर खींचतान सामने आती है। ऊर्जा विभाग की अगर बात कर ले तो वहाँ पर मंत्री और अधिकारियों के बीच की जो खींचतान है वो जग जाहिर हो चुकी है। इसी तरह से कई और, जल शक्ति विभाग में अभी मामला सामने आया, तो तमाम विभागों में ये चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे वो बात की जाए शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई या कई और विभागों में, और इसी का नतीजा है कि अब जिस तरह से राज्य मंत्री जो है दिनेश खट्टर, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उन्होंने जब ये देखा यही कि होगा नहीं सुनी जा रही, उनको अपमान लगा तो उन्होंने ये मोर्चा खोल दिया। जब बात करेंगे तो उसका कितना असर होता है, जो कल रात 10:30 जेपी नड्डा से मुलाकात हुई एक घंटे की, उसका असर कितना दिखता है, या फिर प्रदेश अध्यक्ष से भी क्या मुलाकात करते हैं जो कि उन्हीं के विभाग में ऊपर के तौर पर देख रहे हैं। तमाम चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर का रुख करेंगे जया। बिल्कुल, और दिल्ली से बड़ी खबर है, दिनेश खट्टर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। स्नेहा, नड्डा के आवास पर देर रात ये मुलाकात हुई और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है दोनों के बीच में। बिल्कुल, खट्टर ने पार्टी अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी है। खट्टर के साथ पश्चिम के सह संगठन मंत्री कर्मवीर भी मौजूद रहे, और देखिए जब कल दिन भर ये बातें चलती रही कि आखिर दिनेश खट्टर कहाँ हैं, उसी वक्त रात में ये मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से। बिल्कुल जया, और ये देखने वाली बात है कि जब कल उत्तर प्रदेश, कल से ही नहीं मंगलवार से उत्तर प्रदेश की सियासत में ये हलचल मची है। पहले तो इस्तीफे की बात आती है, वाकई वो इस्तीफा आता है लेकिन वो लखनऊ ना आके दिल्ली जाता है। ऐसे में ये हुआ कि खट्टर है कहाँ, उनसे ही पूछा जाए कि क्या नाराजगी है, क्या दिक्कत है, इस्तीफे तक बात कैसे पहुंची, जहां परिषद की बैठक में वो शामिल होते, जहां जरूरी मीटिंग में कैबिनेट की जो होती है उसमें शामिल, तो तमाम चीजों के इतर जब इस्तीफे की खबर आई तो अब ऐसे में मौजूदा राजनीतिक हालात पर उनकी चर्चा हो चुकी है। कल रात 10:30 करीब एक घंटे तक आवास पर बातचीत हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो दिनेश खट्टर का इस्तीफा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां ये माना जा रहा है कि नाराजगी है या अपने अधिकारियों से है या फिर विभाग से है, तमाम चीजें इस वक्त बातें चल रही हैं। लेकिन आज देखना यह होगा कि इस बातचीत के बाद, एक घंटे की बातचीत के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है उसका क्या असर होता है। और चलिए अब बात महामहिम के महामुकाबले की कर लेते हैं। दरअसल आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए सुबह 11:00 से मत पत्रों की गिनती यानी कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों से आए बैलेट बॉक्स से मतपत्रों की सबसे पहले गिनती होगी। और आपको ये भी बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। आज दोनों
के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, किस्मत का फैसला होने वाला है और आज होने वाली काउंटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जश्न यात्रा की तैयारी कर ली गई है, शाम पांच बजे निकाली जाएगी और लगभग 5 बजे के आसपास ही कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति ये भी साफ हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की, वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। अगर आप पूरी गणित देखें और सियासी समीकरण को समझें तो द्रौपदी मुर्मू जिनके लिए अच्छी खबर यह है कि वो देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं, क्योंकि सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा है, बस औपचारिकताएं भर हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है जो कि शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हो जाएगा। और आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, सुबह 11 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों से जो बैलेट बॉक्स हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं संसद भवन में और उसके बाद 11 बजे के बाद इसकी काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी और देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये भी आज शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में पता चलने वाला है। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, औपचारिक ऐलान शाम 5 बजे के आसपास होगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जश्न यात्रा की भी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल जया, और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का रुख करते हैं और उन्हीं से जानेंगे क्या तैयारियां और क्या अपडेट है। जी अविनाश, देखिए इसने लगता अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतगणना होनी है, चूंकि अगर बात करें तो जो आंकड़े हैं पहले से एनडीए के पक्ष में है तो द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। बस जीत कितनी बड़ी होती है, कितने बड़े मार्जिन के साथ वो जीत दर्ज करती हैं, इसी का इंतजार भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम सारे लोगों को है। चूंकि बात करें तो संसद भवन के कमरा नंबर 63 में ये मतगणना की जाएगी, सबसे पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे और उसके बाद फिर उसकी घोषणा की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो फिर अल्फाबेटिकली अनुसार पहले 10 राज्यों के जो तमाम सारे विधायकों के मत हैं उनको गिना जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी और इस तरह से करते हुए अल्फाबेटिकली अनुसार ही तमाम सारे राज्यों की मतों की गणना होगी और 10-10 राज्यों की मतों की गणना के बाद घोषणा होती रहेगी और उसके बाद फाइनल जो मतों के आंकड़े हैं वो 4 से 5 बजे के करीब आने की उम्मीद है, जिसमें औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि कितनी बड़ी मार्जिन के साथ द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनाव को जीता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनके जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू वो चुनाव जीत रही हैं, तो लिहाजा इसीलिए जश्न की तैयारियां की गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5:30 बजे दिल्ली का जो बीजेपी का प्रादेशिक कार्यालय है वहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, रोड शो शुरू करेंगे और उसके बाद राजपथ तक यानी कि राष्ट्रपति भवन जहां पे राजपथ पे पड़ता है वहां तक वो आकर के इसका समापन करेंगे। तो बीजेपी ने एक बड़े जश्न की तैयारी की है और नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम सारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे, उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। तो ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। चूंकि अगर बात करें तो औपचारिक ऐलान होना बाकी है लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत मानी जा रही है तो देश की 15वीं राष्ट्रपति वो होंगी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और तीनों सैन्य की जो है वो प्रमुख होंगी, यानी कि तीनों चाहे थल सेना की बात करें, नौसेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, इनका जो प्रमुख कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो पहली आदिवासी महिला प्रमुख कमांडर बनने जा रही है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 11 बजे से मतगणना शुरू होगी जिसके बाद एक के बाद एक करके सांसदों के तमाम सारे राज्यों के विधायकों के मतों को बताया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से तैयारी की खबर आ रही है यात्रा को लेकर के अविनाश, उसे किस तरीके से माकूल कर लिया गया है, क्या कुछ ग्राउंड पर चल रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि शाम 5:30 बजे दिल्ली का जो प्रादेशिक कार्यालय बीजेपी का वहां पे तमाम सारे लोग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इसके बाद वहां से एक बड़ा रोड शो, पैदल भी उसमें कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग बाइक से भी रहेंगे और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से अगर बात करें तो एक बाकायदा बड़ा रोड शो करते हुए राजपथ तक आएंगे। चूंकि राजपथ पर ही अगर बात करें तो राष्ट्रपति भवन पड़ता है तो लिहाजा राजपथ पर ही वो आकर इस यात्रा का समापन करेंगे, तो एक बड़े जश्न की तैयारी है। और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के जितने भी आदिवासी
आदिवासी गांव है वहां पे भी जश्न की तैयारी कर रखी है। वहां पे भी जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद लड्डू वगैरह या मिठाइयां वगैरह बंटनी शुरू हो जाएगी। वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है, उनको आदेश दिया है कि जैसे ही नतीजे आए बीजेपी की तरफ से, जैसे ही ये कहा जाए कि वहां पे तमाम सारे जश्न शुरू किया जाए तो वहां पे जश्न शुरू कर दिया जाए। तो ये तमाम सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है। देश भर के तकरीबन 1 लाख से ऊपर ऐसे आदिवासी गांव है जहां आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके बीच में जश्न की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है और उनके बीच भी मिठाइयां बांटी जाएंगी, लड्डू बांटे जाएंगे और इसके अलावा तमाम सारे अन्य जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जश्न की तैयारी की है जहां पर मिठाइयां बांटी जाएंगी, लड्डू बांटे जाएंगे। इस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने अपनी ओर से आयोजित किया है। अब चूंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो आंकड़े पहले से एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनके पक्ष में है, तो बीजेपी की एक कोशिश रही है कि 2/3 बहुमत के साथ कम से कम वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत सके। तो अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति तो वो बन रही है लेकिन कितने बड़े बहुमत के साथ वो जीत रही है चुनाव, इसका इंतजार करना होगा। 4 से 5 बजे के बीच फाइनल पीसी हो जाएगी जिसमें फाइनल आंकड़े आ जाएंगे कि कितने बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने इस चुनाव को जीता है। बिल्कुल अविनाश, अब ये देखना होगा कि कैसी जश्न की तस्वीरें होती हैं। और सबसे पहले तो 11 बजे का इंतजार रहेगा, जब आपने जैसा कि जानकारी दी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये शुरुआत होगी, सांसदों से शुरुआत होनी है, फिर विधायकों की और एक एक करके एक एक राज्यों की मतपेटी खुलेगी और स्पष्ट हो जाएगा कि कितने मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जीत रही है, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है। अविनाश आप नजर बनाए रखिएगा, पूरे दिन हलचल रहेगी, आज दिल्ली में आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी जो आ रही है वो जया दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि 118 वोट से कम होने पर सिंधबारी हो सकती है और ये देखिए यूपी के वोटों की गिनती से साफ होगा सियासी समीकरण, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट वैल्यू है वो उत्तर प्रदेश का ही है। 118 वोट होने चाहिए, मिलने चाहिए यशवंत सिन्हा को। 118 वोट से कम होने पर सिंधबारी की तस्वीर होगी साफ, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और यूपी के वोटों की गिनती से साफ होगा सियासी समीकरण, आंकड़ों के हिसाब से यशवंत सिन्हा को मिलनी चाहिए 118 वोट और 118 वोट से कम होने पर सिंधबारी की तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल जय, और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। देखिए शैलेश, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वोट वैल्यू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही विधायकों और सांसदों की है। ऐसे में क्या आपने नोटिस किया है, ग्राउंड से क्या इनपुट आ रहा है कि सिंधबारी को लेकर? देखिए इसमें जो वोट है उनको समझना होगा। अगर हम बात करें विपक्षी दलों की तो समाजवादी पार्टी और उसके जो गठबंधन के वोट हैं वो हैं कुल 125 वोट। इनमें से जो सपा का सहयोगी दल है सुभासपा, उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन करेगी। यानी इस 125 में से 6 वोट यहाँ पर चले जाते हैं यशवंत सिन्हा के खाते से निकलकर द्रौपदी मुर्मू के खाते में। अब बचे 119। शिवपाल यादव की बात करें हैं वो प्रसपा के, लेकिन सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, सपा से विधायक है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट देने का ऐलान किया। ऐसे में 118 लोग ऐसे बचते हैं, ऐसे वोट बचते हैं जो यशवंत सिन्हा को, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको मिलने चाहिए। अब अगर इन 118 में भी संख्या कम होती है तो साफ समझा जा सकता है कि एनडीए ने यानी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुख्य दल है तो उसकी बात करें, उसने सेंधमारी कर दी सपा में। और देखिए जिस दिन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे, मतदान हो रहा था, उस दिन भी हमारी बात हुई भाजपा के कई नेताओं से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ सपा के कुछ लोग संपर्क में है। और चर्चा इस बात की भी उस समय चली थी सोर्सेज से कि करीब 25 से 30 ऐसे विधायक हैं जिनसे भाजपा के नेताओं ने संपर्क किया है। तो अगर ये वोट की संख्या 118 से नीचे जाती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाजपा ने एक बार फिर से सपा खेमे में सेंधमारी कर दी है। तो अब सबको इंतजार है वोट की काउंटिंग का, और ये वोट की काउंटिंग आगे न सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए चीजों को दिखाएगी बल्कि ये भी बता देगी कि जो यूपी की राजनीति है सपा और भाजपा के बीच में जिस तरह से चीजें चल रही है उसको भी क्लियर कर देगी, क्योंकि सपा का जो गठबंधन है उसमें लगातार जिस तरह से दरार आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई पार्टी के अंदर के जो विधायक और नेता है वो भी कई चीजों को लेकर संतुष्ट नहीं नजर आते हैं। तो ऐसे में ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर, क्योंकि देखिए कुछ और नाम भी उस समय सपा विधायकों के चले थे जिनकी ये चर्चा हुई थी कि उन्होंने एनडीए की जो उम्मीदवार है उनको वोटिंग की है। तो ये सारी और ये बातें कहीं ना कहीं पार्टी को भी भापनी पड़ी थी, तभी व्हिप जारी किया गया था। अगर हमें याद है जिस दिन 18 तारीख को इलेक्शन चल रहा था तो पार्टी ने व्हिप जारी करके सभी विधायकों को इकट्ठा करके 10-10 के जत्थों में भेजा था, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति थी। अब देखना यह होगा कि वो सही था या गलत, ये आंकड़े बताएंगे जब नतीजे सामने आएंगे। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए, आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जी जया, और अब बात सोनिया गांधी की भी कर लेते हैं।
जिसकी आज नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेशी होने वाली है। आज कांग्रेस इसे लेकर प्रदर्शन का ऐलान भी कर चुकी है। दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और इससे पहले जून में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के समय भी कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन कर मोदी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं और ईडी के सामने सोनिया गांधी आज पेश होने वाली हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज अपना विरोध भी जाहिर करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम भी हो चुके हैं और ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी, सवालों का जवाब देंगी। कांग्रेस ने पूछताछ के लिए विरोध प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और वहीं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले शिवलिंग और तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पी एस नरसिम्हा की विशेष बेंच के पास सुनवाई के लिए लगा है। मुख्य मामलों के साथ मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली नई याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की आखिरी सुनवाई 20 मई को हुई थी और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इसका आदेश देते हुए कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे अधिक अनुभवी जजों को भेजा जा रहा है। बेंच ने कहा था कि जिला जज मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन को प्राथमिकता से सुने जिसमें हिंदू पक्ष के वाद को सुनवाई के अयोग्य कहा गया था। तो आज जो अहम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिकाएं लगाई गई हैं, जितनी भी याचिकाएं लगाई गई है इस मामले से संबंधित, उन तमाम मामलों की सुनवाई आज होगी। उन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।